पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को लेकर बड़ा बवाल। बीजेपी की 3 सदस्यों की कमेटी करेगी प्रभावित इलाकों का दौरा। एसएस आलूवालिया कर रहे हैं टीम की अगुवाई। सत्यपाल सिंह और बीडी राम भी कमेटी के सदस्य। उत्तरी 24 परगना के भाटापारा में 2 गुटों में हुई हिंसक झड़प, 2 लोगों की गई थी जान। भाटापारा में कल मृतकों की अंतिम यात्रा में भी बवाल। धारा 144 के बावजूद बीजेपी सांसद के नेतृत्व में निकला जुलूस। जुलूस में पुलिस वालों के साथ अर्जुन सिंह की झड़प, कहा ममता के शह पर पुलिस कर रही है लोगों की हत्या। ममता बनर्जी ने घटना को लेकर बेहद नाराजगी दिखाई। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई के आदेश। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने किया घटनास्थल का दौरा। पुलिस के मुताबिक 11 घायलों में से 6 पुलिस वाले। गृह सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कुछ बाहरी लोग लगातार उकसा रहे हैं हिंसा। टीएमसी के मुताबिक बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा नए लोगों और पुराने लोगों की लड़ाई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंचायत दफ्तर में लगाया ताला। लोकसभा में 3 तलाक बिल को लेकर संसद में हंगामा, कांग्रेस के प्रावधानों पर दर्ज की आपत्ति। अजहरुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक बिल पर उठाया सवाल, कहा गैर मुसलमान मर्दों को 1 साल और मुसलमान मर्दों को 3 साल कैद क्यों। समाजवादी पार्टी ने भी बिल पर उठाया सवाल, आजम खान बोले देश का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी का पलटवार, कहा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है देश की सबसे पुरानी पार्टी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ने कहा मुस्लिम महिलाओं को नहीं होगा फायदा। मुजफ्फरपुर में लगातार जारी है चमकी बुखार का कोहराम, अब तक 142 मासूमों की मौत। गोरखपुर के एनबीआरडी अस्पताल के कफील खान पहुंचे मुजफ्फरपुर, प्रभावित इलाकों में डाला कैंप। मुजफ्फरपुर में मासूमों की मौत के सवाल पर दमदमाए नीतीश कुमार ने मीडिया को सिखाई मर्यादा, राज्यसभा नामांकन के दौरान कमरे से निकाला। बच्चों की मौत पर उठ रहे सवालों के बीच बदली अस्पताल की तस्वीर, चारों तरफ पुलिस की तैनाती। चमकी को लेकर हो रही मौत पर नीतीश के बचाव में आए गिरिराज सिंह, बोले सरकार कर रही है सही काम। आज गोरखपुर और वाराणसी में सीएम योगी का व्यस्त कार्यक्रम, कई योजनाओं का लोकार्पण। अकोला में शिवसेना के पार्षद और कांग्रेस के पार्षदों ने किया बीजेपी महापौर का विरोध, अमृत योजना के अंतर्गत भ्रष्टाचार का आरोप। यूपी के सहकारिता राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी का वीडियो वायरल, योग शिविर के बाद मंच के नीचे जूते लेकर खड़ा रहा उनका अर्दली। यूपी के शाहजहांपुर में मंत्री लक्ष्मी नारायण भी वीआईपी कल्चर से बाहर निकले, एक सरकारी कर्मचारी पहना रहा था जूते। बिहार के मुजफ्फरपुर में लगा गुमशुदा बताते हुए तेजस्वी यादव का पोस्टर, पता बताने वाले को 5100 का इनाम। दिल्ली में कुछ लोगों ने एक मौलाना से जय श्री राम बोलने को कहा, मना करने पर मारी टक्कर। मौलाना के मुताबिक 20 जून की है घटना, कार में सवार 3 लड़कों ने उन्हें रोका, कार की टक्कर से बेहोश हो गए थे मौलाना। घटना को लेकर बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थाने पहुंचे, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। गौ हत्या के नाम पर मुरादाबाद पुलिस का फर्जीवाड़ा, दलित सतवीर को जहीर बताकर भेजा जेल। कोर्ट में पेशी के दौरान सतवीर ने एक वकील को सुनाई अपनी कहानी, घर में है बस लाचार बूढ़ी मां। अपराधियों पर सख्ती को लेकर सीएम योगी के आदेश का असर, लखनऊ में पुलिस अधिकारियों ने किया मार्च। गृह विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने दिखाई थी सख्ती, आंकड़ों से अपराध नियंत्रित नहीं होता, जनता का भरोसा जीतिए। बिजनौर में गांधीगिरी करती नजर आए पुलिस, लोगों के पास जाकर पूछा हाल। मेरठ में 24 घंटे के अंदर पुलिस की बदमाशों से दूसरी मुठभेड़, बाइक सवार बदमाश जख्मी। यूपी के हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। चेन्नई में पानी की किल्लत को लेकर बड़ी सियासत, डीएमके का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पानी की कमी से निपटने में नाकामी को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार, 201 में से सिर्फ 5 जलाशयों की हालत सुधरी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी ने कल बुलाई थी उच्च स्तरीय बैठक, संसद में भी उठा कावेरी मुद्दा। पानी की किल्लत का असर, अम्मा बोतल पर भी 10 रुपए में मिलने वाली बोतल बस स्टैंड से गायब। केरल सरकार ने ट्रेन से 20 लाख लीटर पानी भेजने का दिया प्रस्ताव, तमिलनाडु की तरफ से इंकार। गैंगटॉक से 100 किलोमीटर आगे लाचेन की घाटी में फंसे 500 टूरिस्ट, सेना ने किया रेस्क्यू।
बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से गिर गए पुल और पुलिया, 5 दिन तक नहीं मिला निकलने का रास्ता। हिमाचल के मंडी में सेना के ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, बच गई जान, फरार हो गया ट्रक ड्राइवर। राजस्थान के सीकर में कार में लगी आग, सुरक्षित निकल गए कार सवार। जालंधर के एक घर में छापेमारी, पानी की टंकी में छुपा कर रखी थी देसी शराब। यूपी के संबल में ट्यूबवेल के पानी में आया करंट, नहा रहे 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। बिहार के खगड़िया में बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत, एक शख्स जख्मी। अहमदाबाद में महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में परिवार को परेशान करने वालों का लिखा नाम। झारखंड के बोकारो में ट्रक और ऑल्टो की टक्कर, 3 की मौत, 1 घायल। नासिक में पुलिस वाले ने सर्विस रिवॉल्वर से 2 सौतेले बेटों का किया मर्डर, संपत्ति विवाद में दुश्मनी। मध्य प्रदेश के रीवा में सीमेंट मशीन में फंसने से इंजीनियर की मौत, जबरदस्त बवाल के बाद पत्नी को पेंशन देने पर राजी हुआ प्रबंधन। रामपुर में टेम्पो को कार ने मारी टक्कर, कॉलेज जा रही 12 लड़कियां सकी। आजमगढ़ के सदर तहसील में एक बाबू का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल, जांच के आदेश। नोएडा में 3 लुटेरों का गिरोह पकड़ा गया, लूट के 100 मोबाइल बरामद। मुंबई में विशाखापट्टनम जहाज में आग, 1 शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के श्योपुर में झाड़ियों में मिली नवजात, जिला अस्पताल में कराई गई भर्ती। पुरुलिया स्टेशन के पास टाटा आसनसोल मेमू ट्रेन के बीच उसी दो भैंसे, 2 घंटे तक रुकी रही ट्रेन। पटना में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट, 4 करोड़ के गहने लेकर फरार। नोएडा में सुपारी देकर पत्नी ने कराई पति की हत्या, पति और 5 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में टेक्सटाइल मिल वाले खुलेआम फेंक रहे हैं तेजाबी पानी, 8 बच्चों के जल गए पैर। यूपी के मऊ में सरेआम दबंगे, रिक्शा वाले के पैसे मांगने पर दिखाया रिवॉल्वर। राजस्थान के सीकर में फिल्म आर्टिकल 15 के विरोध में सड़क पर उतरी ब्राह्मण महासभा, रिलीज होने पर आंदोलन की धमकी। तेलंगाना में हॉरर किलिंग का शिकार बना युवक, लड़की के रिश्तेदारों ने ली जान। बिहार के दरभंगा में जमीनी विवाद में खूनी जंग, 1 परिवार के 4 लोगों की हत्या। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 1200 किलो गांजा बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में मंदिर में लाइसेंसी पिस्टल की पूजा के बाद फायरिंग, 12 साल के बच्चे को लगी गोली, मौके पर मौत। बिहार के सीतामढ़ी में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गैंगरेप, 7 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। यूपी के हरदोई में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, 3 दोस्तों में से 1 की मौत, 2 घायल। इंदौर में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, पूरे इलाके में अफरा तफरी। लुधियाना में एक कपड़े की फैक्ट्री में आग, जलने के बाद ढह गई 3 मंजिला इमारत। 44 पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मरने वालों का आंकड़ा, 300 मीटर गहरे खाई में गिरी थी बस। कोलकाता में संदिग्ध हालत में मिली 10वीं की छात्रा की लाश, परिजनों ने मचाया हंगामा। अनंतनाग में आतंकियों ने एक पति और पत्नी को मारी गोली, गुरुवार रात को घर से किया गया था अगवा। वाराणसी में डबल मर्डर से हड़कंप, घर में घुसकर युवक युवती के सिर में मारी गोली। लखीमपुर खीरी में सड़क किनारे ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार, 2 की मौत, 4 की हालत गंभीर। यूपी के बलिया में N-32 विमान हादसे में शहीद सूरज सिंह की अंतिम विदाई, पूरे गांव में मातम। गुरदासपुर में 55 साल के रिटायर्ड सूबेदार पोल वॉल्टर, हाई जंप और ट्रिपल जंप के खिलाड़ी, जीते हैं कई पदक। मध्य प्रदेश के दमोह में चिल्लर लेकर स्कूटी की किश्त जमा कराने गए पुजारी को फाइनेंस कंपनी ने लौटाया, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। बिहार के सुपौल में कोशी नदी का बढ़ा जलस्तर, तटबंध के अंदर आने वाले गांव में पसरा पानी। राजस्थान के कोटा में 12 साल की बच्ची ने की खुदकुशी, मोबाइल गेम का टास्क पूरा करने में गई जान। 27 जून को लॉन्च होगी देश की पहली इंटरनेट एसयूवी हेक्टर, मोबाइल ऐप से कर पाएंगे स्टार्ट और स्टॉप। 12,600 रुपए तक महंगी हुई मारुति डिजायर, सुरक्षा नियमों में बदलाव का असर। वॉलमार्ट पर अमेरिका में 1968 करोड़ रुपए का जुर्माना, भारत समेत कई देशों में भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई। हुआवे मामले पर भारत को चीन की सलाह, अमेरिका ने दबाव में ना आकर खुद ने फैसला। चीन के बाद अमेरिका में कारोबार बढ़ाएगा ओयो, अगले कुछ सालों में $30 करोड़ निवेश की योजना।
फिटनेस टेस्ट में पास हुए ऑलराउंडर विजय शंकर, आज मैदान में उतरने की जताई उम्मीद। अफगानिस्तान के खिलाफ साउथहैम्पटन में है मुकाबला। साउथहैम्पटन में मौसम साफ, आज बारिश होने का पूर्वानुमान नहीं, दोपहर 3 बजे होगा मुकाबला। आज तक से खास बातचीत में बोले राशिद खान, भारत के खिलाफ लड़ा देंगे पूरी जान, एशिया कप में हमारा प्रदर्शन ना भूले हिंदुस्तान। इंग्लैंड को श्रीलंका ने दिया तगड़ा झटका, 20 रन से हारा मेजबान, श्रीलंका ने दिया था 233 रन का लक्ष्य। श्रीलंका की जीत के हीरो रहे गेंदबाज लसित वालंगा, इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों का किया आउट। उत्तर कोरिया में थी जिनपिंग ने की आर्थिक विकास की बात, किम उन जोंग की जमकर तारीफ। अमेरिकी ड्रोन पर ईरान के निशाना बनाने के बाद दोनों देशों में बढ़ा तनाव, ट्रंप ने ईरान पर हमले आदेश जारी करके वापस लिया। ईरान के मिसाइल और रडार को टारगेट करने के लिए तैयार था अमेरिका, फिर एकाएक रद्द किया गया आदेश। अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने को ट्रंप ने बताई बड़ी गलती, ईरान का जवाब हमारे एयर स्पेस का किया गया था उल्लंघन। ईरान ने दी अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जाने की धमकी, कहा जासूसी करना बंद करे अमेरिका। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच इजराइल की एंट्री, 4 दिनों से जारी है युद्धाभ्यास। हांगकांग में फिर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, प्रत्यर्पण बिल को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। सामने आया जर्मनी के चांसलर का अजीबोगरीब वीडियो, कांपती हुई दिखाई दे रही है एंजेला मार्केल। पाकिस्तान के हैदराबाद आपस में टकरा गई 2 ट्रेनें, 3 लोगों की मौत। पेरिस में करीब 1 करोड़ रुपए में नीलाम हुई रिवॉल्वर, मशहूर पेंटर वॉन गॉन ने इसी से की थी खुदकुशी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।